फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिब्यूट टेक इन्फो। आज के वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं सैमसंग का लेवल यू ब्लूटूथ ईयरफोन। और इस ईयरफोन में प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग में ऑन होता है और डायरेक्ट ऑन नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑन नहीं हो रहा है। जब मैं इसमें चार्जिंग लगाऊंगा तब ये ऑन हो जाएगा। देखिए ये ऑन हो गया, लेकिन ऐसे ही ऑन नहीं होगा, बस चार्जिंग दिखाई देगा। ये देखिए बंद हो गया, निकालते ही। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, 100% जो होती है बैटरी से होती है। या तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती है या बैटरी ख़राब हो गई होती है। तो ये जो दिक्कत मिलेगी फ्रेंड्स, या तो चार्जिंग की है, या तो आपका बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, या आपकी बैटरी का कनेक्टर निकल चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी बैटरी के सेक्शन से ही होगी। तो ये जो मेथड है और जो है ये आप किसी भी ईयरफोन में ट्राई कर सकते हैं। ब्लूटूथ ईयरफोन में ऐसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो बैटरी से ही होती हैं। और सिर्फ लेवल यू में ही नहीं, आप किसी भी ब्लूटूथ ईयरफोन में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ऑलरेडी ओपन है, ये पहले से ही खुल चुका है। तो आपको खोलने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको आईपी पेट्रोल या थिनर का इस्तेमाल करना होता है गैप्स में। इसमें किसी तरह का स्क्रू नहीं है, ये स्टिक रहता है और लॉक लगे होते हैं इनमें। तो आप अगर शार्प टूल से इसको ऐसे इनके गैप्स में डाल के इसको ट्विस्ट करते जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा हार्ड होगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो है ये जो वायर्स है ये आपको इस पर फिट आएंगी। तो इसको आपको खींचना नहीं है, आपको इसको ऐसे ट्विस्ट करके निकाल देना है इसमें से। और इधर वाली भी ऐसे ही करनी है, क्योंकि ये जो है रिपेयर्ड है तो ये पहले से इसमें स्टिक्ड है। तो सबसे पहले हम इसका ये कनेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद ये बोर्ड। अब मैं आपको बता दूं इसमें से वायर ब्रेक हो चुकी है, तो आप पहले वायर को डिसोल्ड करेंगे और उसके बाद ये निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बैटरी को चार्ज करके देखेंगे। ये सबसे पहला मेथड है कि आपको सबसे पहले बैटरी चार्ज करके देखनी है। बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के बाद भी होता है ऐसा कि चार्ज नहीं होती है। तो पहले हम बैटरी को चार्ज करेंगे। आप चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसी कोई चार्जिंग केबल काट लीजिए और उसे स्ट्रिप करके इसमें जो रेड और ब्लैक वायर निकलेंगे आपकी, रेड और ब्लैक वायर को इस्तेमाल करना है। और बैटरी में भी देख सकते हैं आप रेड और ब्लैक है, आप रेड और ब्लैक में जोड़ दीजिए और 2-3 मिनट तक बैटरी को चार्ज कीजिए और फिर वापसी कनेक्ट करके फिर चार्ज में लगा के देखिए। तो इसके तो बैटरी कनेक्टर जो है, बैटरी जो जुड़ी हुई है, तो इसमें जो देखते बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर चार्ज करने के लिए फ्रेंड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पावर सप्लाई, आप जो है चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चेक करेंगे, बैटरी का लेवल चेक करते हैं। आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप डायरेक्ट लगा के चार्जिंग में देख सकते हैं कि आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है बिना चार्जिंग के। तो हम जो है इसमें बैटरी का लेवल चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें किसी तरह की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है। ये 1 वोल्ट भी क्या, आधा वोल्ट भी ये शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी जो है ख़राब हो चुकी है, आपको ये बैटरी रिप्लेस करनी होगी। अब मैं बता दूं बैटरी का जो साइज़ होता है वो mAh के ऊपर होता है। ये 80 mAh की बैटरी है और आप 100 mAh की भी लगा सकते हैं, बस साइज़ जो देखिए साइज़ सेम हो। आप अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेढ़ी बैटरी है तो टेढ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं कि आप जो है ली पॉलीमर बैटरी को टेढ़ा कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं, पर उतना ज़्यादा मत कीजिएगा, जितना ये है उतना ही कीजिएगा।
और ये मार्केट में अवेलेबल है, दिल्ली में तो अवेलेबल है और किसी स्टेट का मुझे मालूम नहीं, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल होगी। और मैं आपको बता दूं, बैटरी का एमएच का साइज़ देख के और शेप देख के ही खरीदिए बैटरी। ध्यान रखिए कि अगर गलत बैटरी आ गई तो फिर इसमें फिटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वक्त मेरे पास बैटरी अवेलेबल नहीं है और आज मंडे के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आज बैटरी भी नहीं मंगवा सकता और कल मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो मैं इसे तो सॉल्व नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में। पर मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि इसमें बैटरी की ही प्रॉब्लम है, तो हम इसमें मोबाइल की बैटरी भी लगा सकते हैं क्योंकि 3.7 वोल्ट की होती है, एमएच का फ़र्क होता है बस, पर वोल्टेज सेम होता है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि हाँ इसमें बैटरी की दिक्कत है, बाकी आप अपना बैटरी मंगवा कर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। अब ध्यान रखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है हमें। देखिए इसमें पॉजिटिव ये है ब्लू वायर और नेगेटिव इधर है। आप बोर्ड में भी देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिखेगा। देखिए पॉजिटिव वाला ये पॉइंट है और नेगेटिव वाला ये पॉइंट है, तो हम इसे ऐसे देखिए फ्रेंड्स, बैटरी लगाते ही ऑन हो चुका है, तो अब मैं आपको एक बार इसको पेयरिंग मोड पर डाल के दिखाता हूँ। देखिए पेयरिंग मोड में डल गया है और आप देख सकते हैं बिना चार्जर के ऑन हो रहा है, तो इससे हमें पता लग गया है कि 100% जो है बैटरी की ही प्रॉब्लम है, ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है बैटरी उसी इंस्ट्रक्शन से आप बैटरी खरीदिए, और नहीं तो अगर आप ज़्यादा एमएच की सोच रहे हैं बैटरी लेनी, तो आप एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा एमएच की बैटरी जो है साइज़ बड़ा हो जाएगा। आप देखिए ये 2200 mAh की है तो इसका साइज़ बड़ा हो गया, बैटरी के एमएच पर ही डिपेंड होता है बैटरी का साइज़। तो बैटरी का साइज़ जो है आप 100 mAh तक ले सकते हैं, जैसे इसमें 80 mAh लगी हुई है लेकिन आप 100 mAh भी ले सकते हैं, 100 mAh का साइज इतना ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थोड़ा लेट आएगा रिप्लाई, पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।